नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने उत्तराखंड के गृह सचिव को हटाने का आदेश दिया है। उत्तराखंड में IAS शैलेश बगोली गृह सचिव के पद पर हैं और साथ ही वे CM धामी के सचिव का भी दायित्व संभाल रहे हैं। आयोग ने यह आदेश निष्पक्ष लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए लिया है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि नए गृह सचिव के लिए चुनाव आयोग को जल्द ही अधिकारियों के नाम का पैनल भेजा जाएगा। निर्वाचन आयोग ही नए गृह सचिव का नाम तय करेगा। एक आदेश जारी किया गया है माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, जिसमें 6 राज्यों में ये कार्रवाई की गई है और उसका कंप्लायंस होगा। कोई जानकारी है क्यों? देखिए, जो आदेश आए हैं वो आदरणीय मुख्य सचिव महोदय को संबोधित हैं और कंप्लायंस उनका सुनिश्चित होगा, इसके कारण विशेष पर टिप्पणी ठीक नहीं है। एक आदेश जारी किया गया है माननीय भारत निर्वाचन आयोग। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस के बिखरने का सिलसिला लगातार जारी है। एक के बाद एक बड़े नेता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष केसर सिंह नेगी 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर पौड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ चुके नवल किशोर और पौड़ी ब्लॉक प्रमुख दीपक ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। चर्चाएं हैं कि अब तीनों ही जल्द BJP का दामन थाम सकते हैं। वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद नेगी ने बताया कि तीनों ही पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे थे, जिस पर कांग्रेस ने भी इन्हें 6 साल के लिए निष्कासित करने के लिए उन्होंने एक पत्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा को भेजा था। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि हाल ही में पार्टी छोड़ चुके मनीष खंडूरी के ये तीनों करीबी थे, ये भी एक वजह है कि तीनों पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने लगे थे और अब सोशल मीडिया के जरिए तीनों नेताओं ने कांग्रेस छोड़ने की जानकारी दी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाजपा सरकार देश में एक भ्रष्ट सरकार का जो काम कर रही है, ये लोग आज ये बता देना चाहते हैं कि हम जो 400 सीटें पार करेंगे, अगर इनकी 400 सीटें पार हो रही हैं तो इन पे इतनी खलबली क्यों मच रखी है? ये हर दल के आदमी को अपने साथ लेना चाहते हैं, हर आदमी को ED का भय दिखलाकर, हर आदमी के पीछे CID की जांच लगवाने का डर दिखाकर, हर आदमी को ब्लैकमेल कर ये अपने पाले में ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसी क्रम में हमारे जो ये कह सकता हूँ कि जिनकी जड़ें खोखली हैं, जिन पेड़ों की जड़ें खोखली होती हैं वो जल्दी गिर जाते हैं, तो कहीं न कहीं जो कांग्रेस में जिनकी जड़ें खोखली हैं। बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने मंजूर कर लिया है। बता दें कि राजेंद्र भंडारी के इस्तीफे के बाद अब बद्रीनाथ विधानसभा की सीट खाली हो गई है, जिसके लिए उपचुनाव होंगे। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव लोकसभा चुनाव के बाद ही संभव होंगे। बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी कांग्रेस छोड़कर BJP का दामन थाम चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले BJP प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कांग्रेस के कई और विधायक भी BJP के संपर्क में हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों से आम जनता बहुत प्रभावित है, इसी वजह से कांग्रेस के विधायकों और नेताओं पर भारी दबाव है कि वे प्रधानमंत्री के विजन से खुद को जोड़ें। यही कारण है कि पूरे देश में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता BJP में शामिल हो रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बात को प्रारंभ से कह रहा हूं कि ऐसे अनेकों लोग हैं जो आज मोदी जी के और माननीय पुष्कर धामी जी के कार्य से प्रभावित होकर देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि मेरी विधानसभा जहाँ का मैंने प्रतिनिधित्व किया और जिनसे मैं चुनाव हारा हूँ, एक बार मैंने हराया, इस बार उन्होंने हराया, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पर सत्ता ली है और ये क्रम लगातार आगे बनता रहेगा। बड़ी संख्या में दूसरे दलों के अनेकों ऐसे वर्तमान सिटिंग MLA भी हो सकते हैं, पूर्व विधायक हो सकते हैं, क्रम बढ़ता चला जाएगा
और लोग मोदी जी के साथ उसका धामी साथ खड़े होने को तैयार है। आज ये भी खुशी की बात है कि पौड़ी जो लोकसभा है वो पूरी तरह कांग्रेस मुक्त हो चुकी है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। कांग्रेस के नेता कांग्रेस को बाय बाय कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ईडी और सीबीआई के नाम पर नेताओं को डरा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि मुकदमों और जेल जाने के डर से ही कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी ने एक ऐसी वॉशिंग मशीन बनाई है जिसमें डालने के बाद जिनको बीजेपी दागी नेता कहती है वे बाद में क्लीन होकर निकलते हैं, यानी बीजेपी में शामिल होने के बाद वही नेता पाक साफ हो जाते हैं। कि जिनको डर है वो ही जा रहे हैं, और मैं कह भी रहा हूँ आगे भी अगर कोई जाएगा मैं उनके खिलाफ मुकदमे या केसेस या क्या क्या चीजें चल रही हैं उनको लेके आपके बीच में फिर आऊंगा, क्योंकि ये सीरीज चलेगी। अगर वो जाएंगे हम खोलेंगे। देखिए ऐसा होता है, ये जरूर आत्मचिंतन की बात है। मनीष खंडूरी जी का जहाँ तक सवाल है, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी है और पारिवारिक दबाव भी है। पिताजी बीजेपी में मुख्यमंत्री, बहन विधानसभा की सम्मानित अध्यक्ष हैं, और कई किस्म के दबाव लोगों पर होते हैं, और उस दबाव के तहत भाई मनीष खंडूरी बीजेपी में गए। जहां तक विजयपाल सजवान जी का सवाल कि जिनको डर है, तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी उनके नेताओं को ईडी और सीबीआई का डर दिखा रही है, जिसकी वजह से उनके नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब इन आरोपों पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग करप्ट होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस के इस बयान से साफ है कि कांग्रेस के नेता करप्ट हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वहीं पिछले दिनों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि वे 10 साल तक कांग्रेस में रहे और उन पर कोई आरोप नहीं लगा है। 10 साल से कांग्रेस पार्टी में हूं, मेरे ऊपर तो कोई ईडी कोई सीबीआई नहीं लगी हुई है, न किसी की जांच हुई, न कोई नोटिस आया है, तो ये कैसे कह दूं मैं कि मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हो रही थी तब जाकर के मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल। नहीं, जिला पंचायत की जांच तो पाक साफ हो गई है, उसमें तो कमिश्नर का निर्णय आ गया, अब उसमें कोई बात रह कहां गई है। कोर्ट ने निर्णय दे दिया कोई जांच ही नहीं होगी, तो कोर्ट से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता ना। जब कोर्ट ने कह दिया कि कोई जांच ही नहीं हो सकती है, निर्दोष पाए गए हैं, तो अब कोर्ट से बड़े तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट की बातों का यहाँ पर संज्ञान लेना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा, और कोर्ट ने हमको जो है क्लीन चिट दी है। 10 साल से कांग्रेस पार्टी में हूँ। लोकसभा चुनाव को लेकर अल्मोड़ा में प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें आचार संहिता को लेकर जानकारी दी गई। उन्होंने सभी पार्टियों से शांतिपूर्वक चुनाव कराने में सहयोग करने की अपील की। दरअसल चुनावी तारीखों के ऐलान होते ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, जिसको लेकर सभी पार्टियों की एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी गई है। निर्वाचन अधिकारी ने सभी पार्टियों से आचार संहिता का पालन करने की अपील की है। लोकसभा चुनाव को लेकर चंपावत में भी प्रशासन ने कमर कस ली है। चंपावत के निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चंपावत प्रशासन ने लोकसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्वक तरीके से कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही इस बार 75% मतदान का लक्ष्य रखा गया है। 17 पोलिंग पार्टियां 2 दिन पहले ही दुर्गम बूथों के लिए डबल ईवीएम के साथ रवाना कर दी गई हैं। डीएम ने बताया कि इस बार जिले में 2 बूथ को महिला कर्मचारी संचालित करेंगे, साथ ही 2 यंग बूथ भी बनाए गए हैं जिनमें 40 साल से कम उम्र के कर्मचारी तैनात रहेंगे। जैसा कि सब लोग अवगत हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है माननीय भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होने के पश्चात, जनपद चंपावत में हमने निर्वाचन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। यहाँ पे जो है मतदान पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल को होना है, तो उसी के हिसाब से हमारे जितने भी हमारे मतदान कार्मिकों की ट्रेनिंग है,
जो हमारे ईवीएम्स का प्रशिक्षण है, जो हमारे ईवीएम्स का जो पैकेजिंग वगैरह होगा वो समय जो है सारणी जो है उसके निर्धारित उसके अनुसार हम लोग इसको पूर्ण करेंगे। इसके साथ ही जो है पूरे जनपद में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी प्रभावी हो गया है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे वहाँ इस समय टीम्स लागू हो गई हैं जो न केवल सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर बैनर्स हटाने का काम कर रही हैं बल्कि हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स भी इस समय तैनात हो चुके हैं। और अगर इस प्रकार की कोई भी शिकायत आती है जहाँ पे निर्वाचन को लेकर किसी में भय पैदा किया जा रहा है या प्रलोभन दिया जा रहा है तो तुरंत ये फ्लाइंग स्क्वाड उसमें। उत्तराखंड पुलिस ने नशे के सौदागरों पर शिकंजा कस रखा है। इसी कड़ी में विकास नगर पुलिस को भी बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल कालजी पुलिस ने एक आरोपी को 1 किलो से ज्यादा चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी तस्कर चकराता का रहने वाला है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने नेपाली व्यक्ति से चरस ली थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आगामी चुनाव तथा ड्रग फ्री देवभूमि उत्तराखंड के दृष्टिगत हमारे द्वारा की जा रही चेकिंग के दौरान थाना कालजी पुलिस द्वारा एक व्यक्ति भगत राम निवासी धारिया मलेथा के पास से कल दिनांक 16 मार्च को कोटी रोड से 1 किलोग्राम से अधिक मात्रा में चरस की बरामद की है जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए से ज्यादा की है। और इसमें जो कर्मचारीगण सम्मिलित थे उनमें एडिशनल एसआई युद्धवीर, कांस्टेबल मोहन और कांस्टेबल जसराम सम्मिलित थे। अरे कहाँ से कहाँ ले जा रहा था? उक्त व्यक्ति से पूछताछ में बताया गया कि इसको किसी नेपाली द्वारा ही बेचा गया था, जिसे बेचने के लिए छिब्रो की तरफ को जा रहा था तो इस बीच में ही इसको। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।